ऋषि की बहन और करिश्मा बुआ मलिश्का के साथ मिलकर ऋषि के पापा और ऋषि के मामा के एनिवर्सरी को खराब कर दिया और लक्ष्मी के डेकोरेशन को बिगाड़ दिया। लेकिन कमरे में लक्ष्मी ने देख लिया ऋषि मलिश्का को एक साथ और आ गई ऋषि मलिश्का की सच्चाई लक्ष्मी के सामने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में ऋषि के पापा के दिल में से लक्ष्मी के प्यार को मिटाने के लिए मलिश्का और करिश्मा बुआ नीलम और ऋषि के पापा के एनिवर्सरी को बिगाड़ने के लिए और लक्ष्मी को बदनाम करने के लिए और मलिश्का को अच्छी साबित करने के लिए एक सबसे बड़ी चाल चलेगी, जहाँ पर जब एनिवर्सरी पार्टी का 7 बजे का टाइम होगा तभी उससे पहले करिश्मा बुआ ऋषि की बहन के साथ मिलकर लक्ष्मी के डेकोरेशन को काट देगी, जिससे सारा डेकोरेशन गिर जाएगा और लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पूरा डेकोरेशन खराब होने की वजह से लक्ष्मी काफी ज्यादा परेशान हो जाएगी। और ऋषि के पापा के एनिवर्सरी को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए और लक्ष्मी को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए करिश्मा बुआ दूसरी तरफ से एक बड़ी चाल चलेगी और जो डीजे वाला एनिवर्सरी के पार्टी में आ रहा था उसे आने से मना कर देगी और कह देगी कि लक्ष्मी को फोन करके बता दो कि तुम नहीं आ सकते, जिस वजह से जब पूरा डेकोरेशन खराब हो जाएगा तभी लक्ष्मी को डीजे वाले का फोन आएगा और लक्ष्मी को कहेगा कि मैं नहीं आ सकता, जिसे सुनकर परेशान होती हुई लक्ष्मी कहेगी कि क्यों, प्लीज आप यहाँ पर आ जाइए, बहुत अर्जेंट है। तब डीजे वाला कहेगा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मेरे रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई है तो मैं अब वहाँ पर जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी कुछ बोल नहीं पाएगी और करिश्मा बुआ अपनी आखिरी और तीसरी बड़ी चाल चलेगी, जहाँ पर ऋषि के पापा के एनिवर्सरी को खाने को स्पॉइल करने के लिए केटरर्स को कह देगी और केटरर्स को कहेगी कि खाना पूरा बिगाड़ दो, जिस वजह से केटरर्स वाले ना चाहते हुए खाना बिगाड़ देंगे और मलिश्का करिश्मा बुआ और ऋषि की बहन की वजह से तीनों तरफ से लक्ष्मी फंस जाएगी और ना चाहते हुए लक्ष्मी कुछ कर नहीं पाएगी। और इसी का फायदा उठाकर मलिश्का ऋषि के पापा को और ऋषि के मामा को खुश करने के लिए मंदिर में दोनों को ले जाकर खाना खिलाने का प्लान बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ा राज का खुलासा होगा कि लक्ष्मी मलिश्का ऋषि को दोनों को एक कमरे में एक साथ तब देख लेगी जब लक्ष्मी के हाथ में जब छोटी सी चोट लगेगी, तब लक्ष्मी ऋषि के कमरे में दवाई लेने के लिए आएगी। लेकिन उसी वक्त मलिश्का ने ऋषि को उसके कमरे में बुलाया होगा, जिस वजह से मलिश्का और ऋषि दोनों एक कमरे में होंगे और मलिश्का ऋषि को कहेगी कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। तब ऋषि कहेगा कि क्यों, तब मलिश्का कहेगी कि 2 दिन हो गए हैं, तुमने मुझे 2 दिनों से आई लव यू नहीं बोला है, जिस वजह से ऋषि मलिश्का को जब गले लगाकर आई लव यू बोलने ही जा रहा होगा तभी वहाँ पर अचानक से लक्ष्मी आ जाएगी और लक्ष्मी देख लेगी ऋषि मलिश्का को दोनों को एक साथ और लक्ष्मी को देखकर ऋषि मलिश्का को गले लगाने से दूर कर देगा। लेकिन लक्ष्मी ने ऋषि को मलिश्का के साथ देख लेने की वजह से लक्ष्मी के दिल में काफी बड़ा झटका लगेगा और लक्ष्मी का दिल टूट जाएगा। और इसी बड़ी वजह से जब ऋषि मलिश्का को छोड़कर लक्ष्मी को मनाने के लिए जाएगा तब ऋषि लक्ष्मी को कुछ बोल नहीं पाएगा और लक्ष्मी कहेगी कि मैं तुम्हारी गिफ्ट का कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन तुमने वो गिफ्ट मलिश्का के लिए मंगवाया था और उसे ही दे दिया। यह सुनकर ऋषि कुछ बोल नहीं पाएगा और लक्ष्मी को धोखा देने की वजह से मन ही मन ऋषि को काफी ज्यादा बुरा लगेगा और इसी वजह से ऋषि लक्ष्मी के लिए आगे जाके मलिश्का के साथ ना मिलने का फैसला ले लेगा। और लेकिन मलिश्का की वजह से लक्ष्मी ऋषि दोनों अलग हो जाएंगे, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है और आपको लक्ष्मी ऋषि की जोड़ी कैसी लग रही है, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।